स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज, मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों की ओर। लटेरी उच्चतर मॉडल स्कूल की नई प्राचार्य खुशबू मंदौरिया अपने स्कूल की सफाई कर्मचारी से बाकायदा सोफे पर बैठकर पैर दबवाती हुई नजर आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो लोगों ने कहा कि ये कैसे शिक्षा का मंदिर है, क्या यही शिक्षा स्कूलों में अधिकारी बच्चों को दे रहे हैं कि बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी को इतना छोटा समझता है कि उससे पैर दबवाता है। हाल ही में इस स्कूल के पूर्व प्राचार्य के कथित रूप से एक रैली में छात्रों के साथ कुछ मारपीट या कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर दो दिन में उनका तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया, जिनको हटाने के विरोध में उस स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने उग्र आंदोलन कर एसडीओपी और एसडीएम लटेरी को ज्ञापन देकर प्राचार्य को बेकसूर बताया था और न्याय न मिलने पर आंदोलन की बात कही थी। किंतु उस स्कूल में यहां इन प्राचार्य मैडम की इतनी बड़ी दबंगई का जरा भी किसी अधिकारी या छात्रों ने खुलकर विरोध नहीं किया। जबकि मामले की पड़ताल में बीईओ वीरेंद्र बघेल ने कहा कि मामले की जांच एक समिति से कराई जाएगी और दोषी होने पर कार्रवाई की जाएगी। सवाल उठता है क्या कार्रवाई होगी और कब होगी पता नहीं। स्कूल के छात्रों ने पूर्व में जो ज्ञापन दिए थे उन पर क्या कार्रवाई हुई या जांच अभी तक चल रही है? क्या शिक्षा के मंदिर को बदनाम करने में स्कूल की इन प्राचार्य का निचले कर्मचारियों के साथ आम लोगों को यह व्यवहार उचित लगा? फिलहाल संबंधितों के बयान प्राप्त हुए हैं, उनमें प्राचार्य खुशबू मंदौरिया का कहना है कि मेरा पैर मोच गया था जिसमें बाम लगाकर मालिश करा रही थी। तो सवाल उठा कि क्या चतुर्थ श्रेणी की उक्त महिला सफाई कर्मी डॉक्टर भी हैं या अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते? जबकि वीडियो में कई एंगल से साफ देखा जा सकता है कि मालिश हो रही या पैर दबाए जा रहे। इसका फैसला जनता या सरकारी जांच दल करेगा कि महिला प्राचार्य रोज महिला कर्मचारी से पैर दबवाती हैं, क्योंकि पैर दबाने वाली और दबवाने वाली दोनों ही महिलाओं के अलग अलग रंग के सूट पहने पैर दबाते हुए वीडियो वायरल हुए हैं, जो संभवतः अलग अलग दिनों में पैर दबाते हुए बनाए गए होंगे। जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके संबंध में जांच कराकर एक समिति गठित की जा रही है, वो जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं दबा रही, मैं टॉयलेट में फिसल गई थी तो मेरा पैर मोच गया और पैर में सूजन आ गई, मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी तो भाई ने मेरी मदद की और स्कूल में जो बाम रखा है उसे मेरे पैर पे थोड़ा मल दिया। दूसरे दिन भी मेरे पैर पे सूजन आ गई तो उन्होंने खुद की इच्छा से कि लो मैडम आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ बस। मैंने उनसे कभी पैर नहीं दबा, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, बाम जरूर उनने मेरे पैर पे लगाया था, दर्द ज्यादा हो रहा था इस कारण। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज के साथ।